हेलो माफी के बाद में चारगढ़ ग्रुप आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है आए हुए और हमारे साथ के सभी भाई जो बनारस से ही आपके बगल में ही रहते हैं और बैठ गए ये दो भाई रास्ते में है स्वयं क्यों नहीं करती? अपमान जब स्त्री का होता है तो प्रतिकार स्वयं क्यों नहीं लेती? अपना युद्ध स्वयं लड़ना होता है पार्वती, क्योंकि जो विजय दूसरों की सहायता से मिले उसे विजय नहीं दया कहते हैं। और मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी दयनीय रहे। शुंभ निशुंभ के पास वरदान का जो कवच है
उसे स्वयं मैं भी नहीं काट सकता। शुम निशुम ने ब्रह्मदेव से तप द्वारा अमरता मांगी। ब्रह्मदेव ने अमरता तो नहीं दी, किंतु ये वरदान दिया कि देवता या दानव, मनुष्य या पशु, जलचर या पक्षी, किसी भी जाति का नर उन्हें नहीं मार सकता। तो शेष क्या बचा? केवल स्त्री, एक नारी। शस्त्रों का कवच पहन लो या वरदान का मृतपान कर लो, जो नारी का अपमान करेगा उसका अंत निश्चित है। जो नारी को हीन दृष्टि से देखेगा उसकी दृष्टि सदा के लिए बंद हो। नारी की शक्ति का उपहास करेगा वो स्वयं अशक्त होकर पूरी शाही होगा। जब जब नारी के अपमान की प्रवृत्ति जागेगी तब तब उसके अंत को शक्ति जागेगी। यदि बचा सकते हो स्वयं को तो बचा लो, अगली बारी तुम दोनों की है शुंभ निशुम। परंतु तुम्हारा अंत मैं अपने उस स्वरूप में करूं जिसका तुमने अपमान किया था। आज की रात तुम्हारे काल की रात्रि है, महाकाली तुम्हें ढूंढ कर तुम्हारा संहार करेगी। तू मेरे मृत्यु मंडप में आ गई महाकाली। संपूर्ण शत्रु का प्रयोग करके मैंने इसे रचा है। वहां आज मैं तेरा भोग मृत्यु भेद द्वारा जाऊंगा। इस काल रात्रि से तुम दोनों को सूर्योदय भी नहीं बचा सकता। देखते हैं शारीरिक बल कितना है तुझमें। तेरा ये अहंकार भी सूर्योदय से पूर्व भस्म हो जाएगा। हृदय से मिले शस्त्रों की बात और है, परंतु शारीरिक बल में स्त्री पुरुष के समक्ष कभी नहीं टिकेगी काली। ये अभिमान भी अपनी समाप्त होने से पूर्व भंग हो जाएगा। समय आने पर वही नारी अपने पिता, अपने भाई, अपने पति का बल बनकर उभरती है। आज संसार के समक्ष एक उदाहरण रचा जाएगा कि हर नारी में शक्ति है और शक्ति का नाम महाकाली है।
तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है काले, बड़ी परीक्षा है काले, बड़ी परीक्षा है काले, बड़ी परीक्षा है। शांत हो जाओ। पूरा कार्यक्रम खत्म हो गया, बहुत अच्छा लगा और काफी शानदार लगा हमें, और हम बाहर की ओर निकल रहे हैं। तो ये है बनारस का हथवा मार्केट और काफी ज्यादा यहाँ पे रश है ना आयुष, काफी रश है ना, बहुत ज्यादा रश है। लाइन आगे बढ़ रही है तो हम लोग लाइन में आगे बढ़ रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपको दिखाएंगे।